हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आपकी फेवरेट सीरियल इमली में आदित्य पकड़ेगा मालिनी को रंगे हाथ। दरअसल देखने को मिलने वाला है कि आर्यन को पकड़ लेता है आदित्य मालिनी के घर के बाहर, और आर्यन इसीलिए रुका होता है कि वो इमली की मदद कर सके, और ऐसा ही होता है। दरअसल इमली पर मालिनी को शक हो जाता है और वो उसी लोकेशन पहुँचने की कोशिश करती है जहाँ पर उसने इमली को धक्का दिया था, और देखने को मिलता है कि इमली मालिनी से पहले आर्यन के साथ गाड़ी में बैठकर उसी लोकेशन पर पहुँच जाती है। लेकिन इन तीनों को जाते हुए आदित्य देख लेता है, और यहाँ पर देखने को मिलेगा कि मालिनी इमली को सच में मारने की कोशिश करेगी उस पर बुलडोजर चलाकर। लेकिन यहाँ पर मालिनी की चाल तब उल्टी पड़ जाएगी जहाँ वह एक तरफ तो आर्यन वीडियो बना रहा होता है उसकी इस करतूत का, तो दूसरी तरफ आदित्य आकर मालिनी को रोकेगा। जी हाँ दोस्तों, देखने को मिलेगा कि आदित्य अब मालिनी को यहाँ रोकते नजर आएगा कि वो इतनी घटिया हरकत कैसे कर सकती है, जिसके बाद में आदित्य के पैरों तले जमीन खिसक जाएगी कि मालिनी का ये घटिया चेहरा, उसने अभी कुछ देर पहले तो उसे सॉरी बोला था, और अब ये सब कुछ देखने के बाद तो उसे अपने आप पर भी यकीन नहीं होगा कि मालिनी ऐसा कर सकती है। जिसके बाद में आदित्य उसे जोरदार थप्पड़ मारता है, तो दूसरी तरफ वो इमली को देखकर काफ़ी शॉक्ड हो जाता है। लेकिन इमली जिंदा ही होती है, लेकिन अब इमली की ये चाल इस बार कामयाब हो ही जाती है, और आदित्य मालिनी को रंगे हाथ पकड़ लेता है। जिसके बाद यहाँ पर कुछ कहने को बाकी नहीं रह जाता, और आदित्य को पता चल जाता है कि जब वो इमली को मारने की कोशिश कर सकती है तो अब तक पता नहीं ये और सब चीज़ें तो बहुत ही छोटी हैं। जिसके बाद आदित्य के पैरों तले जमीन तो खिसकेगी ही, और वो उसी वक्त उससे सारे रिश्ते नाते तोड़ देगा, उसका मंगलसूत्र तोड़ेगा, और उसे हमेशा के लिए रिश्ता भी तोड़ देगा, और साथ ही आर्यन और इमली से माफ़ी भी मांगेगा, तो साथ में उसे सजा दिलाने का भी अब बीड़ा वो खुद ही उठाता है, और इस बार मालिनी नहीं बच पाएगी। तो भाई यहाँ पर शुरू हो चुका है बहुत ही बड़ा हंगामा। आप देखते हैं कि अब मालिनी कौन सा नया पैंतरा अपनाती है आदित्य को अपने जाल में फंसाने का, लेकिन इस बार आदित्य शायद ही फंसे।